जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सप्ताह अंत में शिकागो के सोयाबीन वायदा में और तेजी आई है। कारोबारियों और विश्लेषकों ने कहा है कि प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देशों में गंभीर सूखा पड़ने के कारण उत्पादन में कमी आने की आशंका से सोयाबीन वायदा चौथे सप्ताह भी तेजी की ओर बढ़ रहा है। गेहूं वायदा दूसरे सप्ताह भी मंदी की ओर अग्रसर रहा। मक्की में भी नरमी आई है। यहां स्थित एक कारोबारियों ने कहा कि मुख्यतः आपूर्ति से जुड़े मुद्दे ही सोयाबीन बाजार की दिशा का निर्धारण कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि बाजार को लग रहा है कि आपूर्ति तुलनात्मक रूप से नीची हो गई है, जबकि मांग मजबूत बनी रहने का अनुमान है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड का सर्वाधिक सक्रिय सोयाबीन में 15% से भी अधिक उछाल आ चुका है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में वर्षा की कमी बनी होने के कारण उत्पादन सीमित होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। सप्ताहांत में सोयाबीन वायदा 0.30% तेज होकर $15.78 प्रति बुसल हो गया है। आलोच सप्ताह के दौरान भी अभी गेहूं वायदा में 0.5% की तेजी आ चुकी है। मक्की वायदा भी 3% से भी ज्यादा उछाल पे आ चुका है। ब्राजील की खाद्य आपूर्ति और सांख्यिकी एजेंसी कोनाब द्वारा इस सीजन में सोयाबीन के संभावित उत्पादन के अपने पूर्ण अनुमान में कटौती किए जाने के बाद सोयाबीन वायदा में उछाल आया है। कोनाब ने पिछले महीने जारी किए गए सोयाबीन के संभावित उत्पादन के 14.05 करोड़ टन के पूर्ण अनुमान को घटाकर अब 12.5471 करोड़ टन कर दिया है। इतना ही नहीं, यह नवीनतम उत्पादन पूर्ण अनुमान एक दिन पूर्व अमेरिका कृषि विभाग द्वारा जारी किए गए 13.40 करोड़ टन उत्पादन के अनुमान से भी नीचे है। उधर रोजारियो ग्रेन्स एक्सचेंज ने कहा है कि हाल ही में सप्ताह में आ रहे शुष्क मौसम तथा चालू महीने की शेष बची अवधि में वर्षा होने की उम्मीद अभी काफ़ी कमजोर होने के कारण अर्जेंटीना के सोयाबीन उत्पादन क्षेत्र में सीजन 2018 जैसी उत्पादक आपदा स्थिति उभरने का डर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।